दुनिया के विकासशील देशों पर अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना अपने राष्ट्र का विकास करें। आज जो विकसित देश हैं, उन्होंने विकास के लिए पर्यावरण की परवाह किए बगैर कल कारखानों का जंगल लगा दिया, जिससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन और जंगलों की कटाई ने दुनिया को आज इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगाकर घूम रहे हैं, वही देश धरती के आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। जो देश 19वीं और 20वीं सदी में विकास के नाम पर उद्योगों की सुनामी लेकर आए, जिनकी फैक्ट्रियों से निकले धुएं ने धरती का तापमान बढ़ा दिया, वही देश जलवायु परिवर्तन पर परम ज्ञान का प्रवचन दे रहे हैं। उद्योगों के जरिए खुद का विकास 100 साल पहले ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करने वाले देश अब 2050 तक दुनिया को नेट जीरो के फायदे समझा रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होने की बारी जब विकासशील देशों की आई, तो इन्हीं अमीर देशों के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। यही लोग अब धरती के तापमान पर चिंता जताते नजर आ रहे हैं। हम आपको धरती के तापमान से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो देश आज के क्लाइमेट संत बनकर नसीहतें दे रहे हैं, दरअसल ऐतिहासिक रूप से वही भोगी रहे हैं। धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक काल से, जिसे आप 1861 से लेकर 1880 तक मान सकते हैं, उनके मुकाबले आज 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इसी स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन बना रहा तो धरती का तापमान 21वीं सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो आपदाएं लाएगा। जो देश आज कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने की बात कर रहे हैं, वही देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं के जिम्मेदार हैं। खुद को सुपर पावर समझने वाले देशों की सुपर विलेन वाली छवि हम आपको इन आंकड़ों के जरिए बताना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की वैश्विक भागीदारी 7.2% है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को सुपर पावर समझने वाले देश अमेरिका की वैश्विक भागीदारी भारत से लगभग दोगुनी यानी 15.2% और चीन की भागीदारी भारत से लगभग 4 गुनी यानी 27.8% है। कार्बन उत्सर्जन आज की समस्या नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया के विकसित देश परेशान है। दरअसल ऐतिहासिक रूप से ये वही देश हैं जिनकी वजह से दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे को झेल रही है। कार्बन उत्सर्जन मामले में अमेरिका 1850 से ही एक्टिव है। 1850 से अब तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका का वैश्विक योगदान 20% है। इसके बाद नंबर 2 पर चाइना है, जिसका योगदान तब से लेकर अब तक 11% है। इसके बाद 7% योगदान रूस का है, 5% ब्राजील के नाम पर है और 4% योगदान इंडोनेशिया का है। 20वीं सदी में भी औद्योगिक क्रांति के जरिए पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले यही देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सबसे आगे रहे। बात अगर वर्ष 1990 से की जाए तो उस वक्त से अगले 10 साल तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर था। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन के देश थे, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर रूस था, 5वां नंबर ब्राजील का, जबकि 6ठे नंबर पर भारत का नाम था। 2014 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में चाइना पहले नंबर पर आ गया और अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन के देश तीसरे नंबर पर रहे और भारत 4थे नंबर पर आ गया।
मतलब ये कि जिन देशों की भागीदारी कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा रही है, वही देश आज पर्यावरण के टोल पर बैठकर दूसरों की पर्चियां काट रहे हैं। अपने देश में यही देश विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करते रहे और विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर का लॉलीपॉप देने का वादा करके मुखर गए। इन पैसों को विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के नाम पर खर्च किया जाना था। आज तक ब्यूरो।